गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और आपको बताया था कि अब कुछ दिनों तक जो भी आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, मैं उनको आपको ड्रॉ करना बताऊँगा ताकि एग्जामिनेशन में आप आराम से उन डायग्राम्स को ड्रॉ कर पाओ। मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि सर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम को यानी श्वसन तंत्र के डायग्राम को ड्रॉ कर दिखाएँ और इजीली किस तरीके से एग्ज़ाम में हमें बनाना है। तो चलिए, आपका जो डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का यानी श्वसन तंत्र का, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसे ड्रॉ करना है और कैसे आप इसे एग्ज़ाम में लेवल करके लिख पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग अपना पेन पेंसिल जो भी है उसे रेडी कर लें कॉपी के साथ में और मेरे साथ में डायग्राम बनाएं। बहुत इजीली हम लोग जानेंगे कि कैसे इसे बनाना है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम को भी हम फेस से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। फेस बनाने के लिए आपको पता है इस तरह से एक लाइन हमें खींचनी है, उसके बाद हल्का सा अंदर की तरफ ले जाकर फिर बाहर की तरफ हल्का सा निकाल देना है और फिर इसे अंदर जाके इस तरीके से राउंडेड कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा पीछे जाकर इस तरह से हमने एक लाइन खींच कर अपर लिप बनाना है, देन इस तरह से लोअर लिप बनाना है, फिर चिन के लिए थोड़ा सा अंदर को लाके और इस तरह से बाहर निकालेंगे। ये आपका चिन हो गया। अब आई बनाने के लिए आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन कर देनी है डबल, एंड देन हमें आई बनानी है। तो आई बनाने के लिए इस तरह से आई की एक लाइन खींची, अंदर हमने एक हाफ सर्कल बना दिया और आई लैशेज बना दी और ये हमने आई बना दी। इसके बाद हमें हेयर्स कंप्लीट करने हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से हमने ईयर और ये हमारा फेस जो है बनकर रेडी हो गया है। अब हमें नीचे के स्ट्रक्चर्स को बनाने हैं। अब आपको पता है, मैंने पहले की वीडियोस में बताया है कि हमारा जो चेस्ट होता है इसके अंदर एक कैविटी होती है, इसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी, और उसी में हमारे लंग्स पाए जाते हैं। तो आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है वो लंग्स से स्टार्टिंग, सॉरी, आपका नोज से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर इस तरह से एक चैम्बर जैसा हम बनाएंगे, और इस चैम्बर को हम लोग यहां तक लेकर आएंगे। ये जो हमारा चैम्बर है, यहां पर हमारा लैरिंग्स यानी कि स्वरयंत्र होगा। तो ये हमने लैरिंग्स बना दिया। इसके नीचे से हमें ट्रैकिया बनानी होती है, तो ट्रैकिया को बनाते हैं। ट्रैकिया कुछ इस तरह से बनानी होती है, इस सी शेप के छल्ले जैसे होते हैं रिंग, और इस तरह से हमें ये ट्रैकिया बनानी होती है। इसके बाद ट्रैकिया को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। इस तरह से एक डॉटेड लाइन खींचकर मैंने डिवाइड कर दिया, देन आप इसे ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद आपको दोनों ट्रैकिया के दो पार्ट्स हमने बना दिए। अब आपको लंग्स बनाने हैं। एक लंग हमारा इधर की तरफ होगा, दैट इज द राइट लंग, और इसी तरह से दूसरा लंग हमारा इधर की तरफ होगा, दैट इज़ द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होगा और यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ सा होता है क्योंकि यहाँ पर हार्ट पाया जाता है। तो ये दोनों लंग्स हमने यहाँ पर बनाए। अब ये जो हमारा राइट लंग है, इसमें हमें डॉट करके तीन पार्ट्स करने हैं क्योंकि हमारा जो राइट लंग होता है उसमें तीन लोब्स होती हैं और लेफ्ट में दो लोब्स होती हैं, ठीक है। इतना बनाने के बाद में हमें यहाँ पर नीचे डायफ्राम बना देना होता है, तो ये हमने यहाँ पर डायफ्राम बना दिया, ठीक है। आगे के स्ट्रक्चर में हम अगर चाहें तो ये लाइंस खींचकर बॉडी को कवर कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड, आप इतना बनाएंगे तब भी काफ़ी होगा। अब यहाँ पर कुछ खास चीज़ें हैं। ये जो हमारा ट्रैकिया है, ये दो पार्ट्स में बटकर लंग्स में गया। अब इसके अंदर के ये दोनों पार्ट्स कई सारी ब्रांचेस बनाएंगे, ठीक है ना। तो इनके नाम भी होते हैं, जैसे ये प्राइमरी ब्रोंकस है, इसके बाद ये दो सेकेंडरी ब्रोंकस आए, सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद क्या आया, टर्सरी ब्रोंकस आया, टर्सरी ब्रोंकस के बाद क्या आया, ब्रोंकियोल आया, ब्रोंकियोल के बाद क्या आया, एल्वियोलर डक्टाई और देन एल्वियोलाई। तो इस तरह से कई सारी ब्रांचेस होती हैं। इस तरह से हमें एक लंग में दिखाना है, दोनों में दिखाने की आवश्यकता नहीं है, और इस तरीके से हम इसको बना देंगे। एंड फाइनली यहाँ पर कुछ गुब्बारे के जैसे यानी एयर सैक जो पाए जाते हैं ये बना देंगे, इनको कहते हैं एयर सैक या फिर एल्वियोलाई, ओके। तो एक में दिखाने की आवश्यकता है, दोनों में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनली हम एक और चीज़ बनाते हैं यहाँ पर। हमारा जो ये जो लंग्स होते हैं ये कवर होते हैं कैविटी के द्वारा, और उस कैविटी को हम कहते हैं प्लूरल कैविटी।
तो यहाँ पर इनको हम लोग एक कैविटी के अंदर बंद कर देंगे हम लंग्स को, दैट इज़ द प्लूरल कैविटी। तो एक कैविटी हमने इधर बना दी और एक कैविटी हमने इधर बना दी। इसके बाद फाइनली हम यहाँ पर इस तरह से कुछ लाइनिंग्स बना देंगे ताकि लगे कि एक लंग को हमने इंटरनली दिखाया है और एक लंग हमारा एक्सटर्नल बना हुआ। तो एक बहुत ही सिंपल वे में हमने यहाँ पर आपको बना के बताया इस डायग्राम को। यहाँ पर कुछ लाइंस कर देते हैं। चलिए तो लेवलिंग करते हैं इसकी। सबसे पहले आप देखिए कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नाक के हमारे जो दो छिद्र होते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है। तो इन छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं, नॉस्ट्रल्स कहते हैं, हिंदी में नासा छिद्र बोलेंगे। इसके बाद जो अंदर के चैम्बर होते हैं इनको कहते हैं नेजल चैम्बर, नासा कक्ष। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर नेजल चैम्बर। इसके बाद ये जो रास्ता गया है इसको कहते हैं नेजल पैसेज, नासा मार्ग या नासा पथ। तो इट इज़ द नेजल पैसेज। उसके बाद फिर ये हिस्सा आपको पता है क्या कहलाता है, फैरिंग्स होता है। फैरिंग्स के बाद ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर होती है, इसको कहते हैं स्वरयंत्र हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं लैरिंग्स या साउंड बॉक्स या वोकल कॉर्ड। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे लैरिंग्स हिंदी में, और इंग्लिश में आपने सॉरी बायोलॉजी में इसको लैरिंग्स बोल दिया, और इंग्लिश में आप इसे क्या कहोगे, साउंड बॉक्स कहोगे। इसके बाद ये ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया को हम लोग वायुनाल, श्वास नली, विंड पाइप कुछ भी कह दीजिए, ट्रैकिया मेन नाम इसका है। इसके बाद आप देखोगे ट्रैकिया के दो पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स को हम लोग कहते हैं ब्रोंकी। ब्रोंकी को हिंदी में श्वसनिकाएँ बोलते हैं। अब जैसे ही ब्रोंकी अंदर गई इसका नाम भी होता है, आप इसे ब्रोंकी, चूँकि दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, एक को लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, ब्रोंकस। तो चूँकि हम एक को की बात कर रहे हैं तो इट इज़ द प्राइमरी ब्रोंकस। तो ये प्राइमरी ब्रोंकस हो गया। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकस से जो निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकस। तो ये हमारा सेकेंडरी ब्रोंकस हो गया। और सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद जो अगला ब्रांच होगा वो क्या कहलाएगा, टर्सरी। इसमें बहुत सारी होती है, हम केवल एक को दिखाते चल रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टर्सरी ब्रोंकस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ब्रोंकियोल। मैं बात कर रहा हूँ हमारे 11th 12th के लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, वैसे तो और भी डीप चीज़ें हैं यहाँ पर। फाइनली ये जो डक्ट है इसके बाद में, ब्रोंकियोल के बाद में, उसको कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। तो एल्वियोलर डक्ट हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में ये हैं जो ये गुब्बारे के जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कहते हैं एल्वियोलाई, जिसे इंग्लिश में एयर सैक बोलते हैं। ओके, अब ये जो नीचे का पर्दा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायाफ्राम। तो हमने इसे लिख दिया डायाफ्राम, आपको पहले से पता है। और ये जो कैविटी है, ये हमारी जो कैविटी होती है इसको क्या कहते हैं, हमारी ये प्लूरल कैविटी है। तो इट इज़ द प्लूरल कैविटी। इसके बाद दोनों लंग्स को भी लेवल कर देते हैं। ये राइट साइड में है तो इट इज़ द राइट लंग, और ये लेफ्ट साइड में है तो इट इज़ द लेफ्ट लंग। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया डायग्राम। थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं फिनिश कर देता हूँ। अच्छा, अब ये हमारा जो डायग्राम हो गया वो हो गया हमारे ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, मानव का श्वसन तंत्र। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको डायग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा किस तरीके से बनाया मैंने। आपको बता दूं कि इसका एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, जिसमें मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ाया है। वहाँ पर इसका मैंने कलर डायग्राम दिखाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो से कलर डायग्राम भी देख सकते हैं, प्लस इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको डायग्राम बनाकर दिखाया है एक ईजी वे में, कि एग्ज़ाम में कैसे बनाना है और कैसे लेवल करना है। तो चलिए, इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आऊँगा। आपका जो भी अगला इंपॉर्टेंट डायग्राम आप चाहते हो, जिस पर भी वीडियो, तो बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसी पर आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊँ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।